السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على سيد الانام وعلى اله واصحابه الكرام الى يوم القيام فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المديد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى في موضع آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير रब शहली सदरी वसिल अमरी वहदतमिलसानी यफ़ह कौली रबनीम तिनफ़ी तकवा वक्की हा अंत खैर वनजक्का अंत वली व मौलहा मुआज़ मोहतरम हाजरीन इकरामशीन खुतिन इस्लाम गैरों की मुशाबहत और मुस्लिम आश्रा इन मौजू पर अल्लाह की मदद और उसकी तोफ़ी से चंद बातें पेश की जाएंगी अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल रब्बालमीन हमें सही मानों में इस्लाम की अहमियत को उसकी अजमत और मकाम मरतबे को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अदा फरमाए इस्लाम ये अल्लाह रब्बुल रबालमीन की सबसे अजीम तरीन न्यामत है इस दुनिया में किसी भी इंसान को अगर चैन सुकून अमन और इत्मीनान चाहिए तो सबसे पहले उसके लिए इस्लाम की नेमत होना जरूरी इस दुनिया में इंसान कितनी भी दौलत हासिल कर ले कितना भी मालदार हो जाए पूरी दुनिया का खजाना उसको दे दिया जाए लेकिन अगर इस्लाम की दौलत नहीं है उसके पास ईमान की दौलत नहीं है तो वो सुकून हासिल नहीं कर सकता क्योंकि हकी सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने से ही बंदे को मिलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं है अल्लाह पर भरोसा नहीं है अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है तो कभी भी हमको सुकून नहीं मिल सकता इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रवायत में इरशाद फरमाया قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जो इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गया जिसको अल्लाह ने मुसलमान बना दिया वह रोजी का और उसे बराबर सराबर रोजी दी गई वक़न्ना आता और जो कुछ अल्लाह ने उसे दिया है उस पर अल्लाह ने उसको कनात की तोफीक दी सब्र की तोफीक तो, तो इस्लाम ही अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसे तूने मुसलमान बनाया है ऐसे मुसलमान होने का हक अदा करने की तोफीक अदा फरमा और ईमान के साथ हमें मौत नसीब फरमा और दूसरी बात ये कि आज हमारी जिंदगी में जो इस्तराब है जो परेशानियां हैं जो मुसीबतें हैं इसी वजह से हैं कि हमने जुबान से तो इस्लाम का इकरार किया जुबान से हमने दावा किया कि हम मोहम्मद अलैहि वसल्लम के मुतबे हैं पैरोकार हैं लेकिन अपनी जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो बहुत सारी चीज़ों में हमने मोहम्मद वसलम के तरीकों को छोड़ करके आपकी सुन्नतों को छोड़ करके गैरों का तरीक़ा अपना लिया जब तक हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मोहम्मद की तबाह नहीं करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन तुम तो ऐ हमारे पैगंबर आप ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद रसोल्ला की और पैरवी करो अल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा लकुम और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा बख्श देगा तो आज हमारी जो बर्बादी है हमारी जो जिल्लत और रसवाई है उसका एक बुनियादी सब यह भी है कि हमने मोहम्मद के तरीकों को छोड़कर यहूद और नसारा के तरीकों को कबूल कर लिया उनकी रविश को अपना लिया उनकी तरह से जिंदगी में हम अपने लिए इज्जत समझते हैं उसमें हम फख्र महसूस करते हैं जब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक मोहम्मद के तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तब तक ना हम इज्जत पा सकते हैं ना हम चैन पा सकते हैं ना हम सुकून पा सकते हैं इसीलिए अकबाल ने कहा था वज में तुम होना सारा वज में तुम होना सारा तो में हुनूत वज़ह में तुम हो न सारा तो में हुनूत ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो अल्लाह ताला हमारे अमाल की इसलाह फरमाए हमें अपनी जिंदगियों में अपने अमाल पर गौर करने की तोफीकदा फरमाए मुशाबहत गैरों की मुशाबहत जो गैरों की पहचान हो गैरों की तहजीब का हिस्सा हो गैरों की शरीय का हिस्सा हो इस्लाम में उसकी गुंजाइश मौजूद ना हो हम उस चीज़ को अगर अख्तियार करेंगे जो दूसरे अदियान मजाहिब के लोग अपने दिन और धर्म की पहचान के तौर पर करते हैं और इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है तो इसी को मुशाहत कहते हैं और मोहम्मद रसोल्ला सल्लासम नेब दाऊत के अंदर किताबुल लिबास के अंदर फरमाया मन तब बेमिन फहिन जिसने किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार की उसका शुमार उन्हें में से होगा तो मुशाबहत क्यों होती है आज का मुसलमान इतने अजीम रसूल को पा करके भी इतने अजीम शान पैगंबर का उम्मती हो करके भी इतने अजीम रसूल के तरीकों को छोड़कर गैरों के तरीकों को क्यों अपना रहा है इतने अजीम शान पैगंबर का उम्मती होने के बावजूद गैरों के तहजीब को अपनाने में फख्र क्यों महसूस करता है इसके कुछ असबाब हैं उन बाब पर भी गौर करना जरूरी मुसलमान गैरों की जो शाभेद जो अख्तियार करते हैं उसके तीन अहम इस्बाब में बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा सबसे पहला सब गैरों को खुद से मुआजत समझना गैरों को खुद से मुआजत समझना आज का मुस्लिम नौजवान या मुसलमान औरतें ये मुसलमान मर्द गैरों की तशबीह, गैरों की मुशाबहत इख्तियार जो करते हैं उसका एक बुनियादी सबब यह है कि वो तरीका जो गैर लोग अपनाए हुए हैं अपने तरीकों से उसको हम बेहतर समझते हैं हम यह समझते हैं कि जिस तरीके की हम पैरवी कर रहे हैं चाहे हुदो नसारा हो चाहे वो हो उनके तरीक़े को हम इसलिए कबूल कर रहे हैं कि हम अपने तरीक़े को अपने दीन को अपने नबी की सुन्नतों को हकीर समझते हैं और उनके तरीकों को हम अच्छा समझते हैं जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद इर्शाद शरमायाल तफरीन अलिया जो लोग मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं क्या ये लोग वहां पे इज्जत तलाश करते हैं कि मोमिनों को छोड़कर गैरों से दोस्तियां अपनाते हैं गैरों के तरीकों को कबूल करते हैं क्या वो लोग वहां इज्जत चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फइनल इज्जत लिल्लाह फ्ज्जत सारी की सारी इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इज्जत अगर हासिल करना है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार तो यहां पर पहली बात वाज हो गई कि गैरों की मुशाबहत जो हम इख्तियार करते हैं उसका पहला बुनियादी सबब क्या है गैरों को खुद से मज्जत समझना गैरों के तरीकों को अपनी शरीयत से अच्छा समझना और इसके बारे में दूसरी आयत है मन का इज्जत फातिर की आयत नंबर दस है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो कोई इज्जत चाहता है तो उसे चाहिए कि अल्लाह से इज्जत मांगे क्योंकि हर तरह की इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इसी तरह से सूरतनाफिकोन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वलिरसूलिही वाहत वल रसूल ला यअलमून इज्जत अल्लाह के लिए है उसके रसूल के लिए है मोमिनों के लिए है लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते इसीलिए अकबाल ने फरमाया था वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख़्वार तारे के कुरान होकर अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कुरन को पकड़ेगा कुरान पर अमल करेगा कुरन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह उसको ज़िंदगी अदा करेगा उसको चैन सुकून अदा करेगा उसको इज़्ज़त भी अदा करेगा इन अल्लाह बिहद अल्किब अल वही आखरीन अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया इस कुर मजीद के ज़रिया अल्लाह ताली बहुत सारे लोगों को बुलंदी अदा फ़रमाता है और बहुत सारे लोगों को इसी कुरान के ठुकराने की वजह से कुरान से राज करने की वजह से जरिए कर देता है दूसरा सबक गैरों की मुशावे अख्तियार करने का यह है कि खुद को गैरों से कमजोर समझना खुद को गैरों से कमजोर समझना और आज ये बहुत ज्यादा आम हो गया है आप देखिए एक भीड़ रहती है इंसानों की इंसानों की एक भीड़ आपको नजर आएगी और उस भीड़ में कभी कभी 80-90 परसेंट मुसलमान होते हैं अस्सी नब्बे परसेंट उस भीड़ में मुसलमान होते हैं लेकिन पहचान में नहीं आते कि मुसलमान कौन कौन है पहचान में नहीं आते कि मुसलमान कौन कौन है ऐसा क्यों होता है मेरे भाइयों, ऐसा इसलिए होता है कि आज का मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी डरता है अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हुए भी डरता है यह दूसरा बड़ा सब है जो हम गैरों के मुशावे अख्तियार करते हैं अपनी दाढ़ियों को मोड़ते हैं अपने चेहरों को मस्क करते हैं अपने लिबास तब्दील करते हैं इसका दूसरा सबब क्या है गैरों को अपने आप से ताकत वाला समझना गैरों को अपने आप से क़ुत वाला समझना अपने आप को गैरों से कमजोर और मरड़ूब समझना और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया वलन तरद वलन नसारा हमारे रसोल्ला आपसे यहूद नसारा उस वक्त तक राजी नहीं हो सकते जब तक आप मुकम्मल तौर से उनके मिल्लत की पैरवी ना करें और आज के इस दौर का मुसलमान भी यही सोचता है कि यहूदो नसारा ताकत वाले हैं वो कुत वाले हैं वो तरक्की वाले हैं उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है अगर हम उनको नाराज करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे अगर उनको हमने नाराज किया तो हमारा बेरा, बेरा हमारा गर्क हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम आपसे यहूद और नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक आप उनके मजहब के ताबे ना बन जाएं। कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायती हिदायत है वलइन इत्तबअता हवाअहुम बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म में वली वला नसीर। अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के उनकी ख्वाहिशा के उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका न कोई वली होगा ना मददगार होगा तो अगर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है और अपना चेहरा छुपाता है अपने लिबास को तब्दील करता है ताकि गैरों में छुप जाए पता ना चले कि यह भी मुसलमान है तो उसको अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए अल्लाह रबी ने फरमाया वली इल्म आने के बाद अगर आपने उनके ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा इसी तरह से एक दूसरे मकाम पर अल्लाहबीन अल्लाह ने फरमाया फिर हमने आपको दीन की जाहिर राह पर कायम कर दिया आप उसी पर लगे रहिए और नादानों की ख्वाहिशों की पैरवी में ना पड़ें। याद रखें ये लोग हरगिज अल्लाह के सामने आपके कुछ काम नहीं आ सकते समझ लें कि जालिम लोग आपस में एक दूसरे के मददगार होते हैं और परहेजगारों का मददगार अल्लाह रबीन है इस आयत करीमा में ने कितनी बड़ी बात बयान की अल्लाह रबीन ने फरमाया जो दिन हमने आपको दिया है उस दिन की पैरवी कीजिए और इन जालिमों की इन जाहिरों के दिन की, की पैरवी ना कीजिए इनकी शरीय की पैरवी ना कीजिए क्योंकि हमें बात भी मालूम है

कोई भी यहूदी हो कोई भी ईसाई हो अगर वो सुन लेता है कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम की बेसत इस दुनिया के अंदर हो गई उसके बावजूद मोहम्मद वसल्लम पर ईमान नहीं लाता वो अपने रसूल की पैरवी करके भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता इसलिए हमें डरना चाहिए अल्लाह के फरमान को सुन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुम ये सोचते हो गैरों का तरीका अपनाओगे तो दूसरे तुमको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे हरगिज ऐसा नहीं हो सकता हरगिज ऐसा नहीं हो सकता वो लोग आपको अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं पाएंगे दुनिया में हो सकता है बाहिर कुछ सपोर्ट कर दें अपने घरों में तुमको बिठाएं अपने पास तुमको रखें और दावे करें हम तुम्हें दुनिया के लोगों से बचा लेंगे लेकिन अल्लाह के अजाब से तुमको वो नहीं बचा पाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा चैलेंज है तीसरा सबब गैरों की मुशाबत अख्तियार करने का वो जहालत है जहालत बहुत सारे मुसलमान जानते ही नहीं है इस्लाम क्या है जानते ही नहीं शरीयत क्या है यहां तक कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने रसूल का नाम भी सही तौर से नहीं जानते कि हमारे पैगंबर का नाम क्या है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रसूल थुण थुण है या कुछ और है सही मानों में बहुत सारे मुसलमानों को मोहम्मद रसूल का नाम भी सही तौर से मालूम नहीं है आपकी माँ के बारे में आपके अब्बा के बारे में तो भी बहुत सारे लोग नहीं जानते तो बहुत सारे मुसलमान जानते ही नहीं है कि हमारे रसूल और पैगम्बर का सही नाम क्या है आपकी शरीयत क्या है आपकी शरीयत के तकाजे क्या है तो जहालत की बिना पर बहुत सारे लोग गैरों का तरीका अपना लेते हैं और उसी में मगन लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं जहालत की जिंदगी गुजारते हैं वो तारीकी की जिंदगी गुजारते हैं जबकि मोहम्मद रसूल सल्लाया तलेबल फरी दीन की बुनियादी तालीमत का हासिल करना जैसे ईमान के अरकान क्या है इस्लाम के अरकान क्या हैं फराइज क्या है वाजिबात क्या हैं कितनी रकात फर्ज है कितनी नमाजें फर्ज हैं रोजे कितने फर्ज हैं इन सारी चीजों का जानना हर मुसलमान पर वाजिब जरूरी है इल्म दीन का हासिल करना दीन की बुनियादी बातों का सीखना यह सिर्फ की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर आदमी की जिम्मेदारी है जो तो अपने आप को मुसलमान कहता है और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस्लाम की बुनियादी तालीमत दिलाए वो समाज में म शरीयत को आम करने का एक तरीका मुस्तमा से सही इल्म सुनकर दूसरों को पहुँचाना भी है मुस्तमा से सही इल्म को सुनकर दूसरों को सुनाना और पहुँचाना ये भी इस्लाम को सीखने का एक बेहतरीन तरीका इस्लामी तालीमत को आम करने का बेहतरीन तरीका जैसे कि मस्जिद है यहाँ दर्श हो रहा है बहुत सारी बातें आप सुनेंगे कुरान की हदीस की और मोहम्मद रसोल वसम की शरीय की तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको खुद भी सुने खुद भी समझे और अपने घर वालों को भी जाकर के सुनाए क्योंकि मोहम्मद रसुल्ला की हदीस है भी करते हैं कि ने ए मेरे सहाबा, तुम मुझसे इस्लाम की ताली को सुनते हो क्रन हदीस की बातें तुम मुझसे सुनते हो वयुस्मा कुम और तुमसे भी सुना जाएगा तुम मुझे मुझसे सुनते हो मैं तुम्हें सुनाता हूं तुम किसी और को भी सुनाओगे और उसके बाद फरमाया वह और जो तुमसे सुनेगा उससे भी लोग सुनने वाले होंगे कितनी बेहतरीन बात मोहम्मद ने बयान की कि मैं जो बयान करता हूं तुम सुनते हो तुम बयान करोगे दूसरे लोग सुनेंगे और जिन लोगों ने सुना है वो बयान करेंगे तो दूसरे लोग सुनेंगे इस तरह से दीन की बातें फैलती चली जाएंगी तो जो भी बातें कुरान हदीस की रोशनी में दीनी मदालस के अंदर दीनी प्रोग्रामों के अंदर बयान की जाती है हमारी जिम्मेदारी हम उनको याद करें और घर में जाकर के बयान करें लोगों को बताएं अगर हमारा हाफजा इतना मजबूत नहीं है तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें ऑडियो रिकॉर्ड करके महफूज कर सकते हैं अब आइए हम मुशावत की तरफ आते हैं किस किन चीज़ों में मुशावत मुसलमानों में पाई जाती है सबसे पहली मुशावत अकीदे के अंदर इस्लाम का अकीदा क्या है इस्लाम का अकीदा यह है कि नफा और नुकसान के मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है वही बेजुर का हमारे पैगम्बर अगर आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए तो सारी कायन के लोग मिलकर भी उस तकलीफ को हटा नहीं सकते हैं वहीं यद का बेरन फला पर कोई नाम नाजिल करना चाहे तो सारे मिलकर भी नहीं छीन सकते कुरान में बहुत सारी मिसालें हैं इब्राहिम की मिसाल है यूसफ़ की मिसाल है बहुत सारी मिसालें कुरान में बयान फरमाई है कि अल्लाह अगर किसी को देना चाहे तो कोई छीन नहीं सकता और अगर किसी से छीनना चाहे तो पूरी दुनिया के लोग उसको दे करके भी उसको मालदार नहीं कर सकते इसी तरह से तवहम परस्ती किसी के साथ हम गए हमारा कोई काम बिगड़ गया तो हमने उसको मनहूस कह दिया कि आदमी मनहूस है इसके साथ नहीं जाएंगे या बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमने सफर बंद कर दिया हमने कहा कि हम अब रास्ता नहीं चलेंगे आगे हम सफर नहीं करेंगे या हम किसी काम के लिए बाहर निकले किसी ने पूछा कहां जा रहे हो हमने वहां से सफर मुलतवी कर दिया और कहा कि हमारा काम अब बिगड़ जाएगा या किसी दिन हमने कोई काम शुरू किया और हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ तो हमने कह दिया मालूम नहीं किसका चेहरा सुबह सुबह देखा था तो किसका चेहरा देखा था उसके चेहरे के देखने से हमारा काम नहीं बिगड़ेगा जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहे बिल्ली के गुजरने से हमारा काम नहीं बिगड़ेगा जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे तो यह तवहम परस्ती भी मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा पैदा होती जा रही है छोटी छोटी बातों लेकर परेशान हो जाते हैं कोई काम बिगड़ जाता है उसी को लेकर के रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं ऐसा किया तो वैसा हो गया वैसा किया तो वैसा हो गया जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई भी तकलीफ परेशानी तुमको लाहिख हो जाए तो यह ना कहो कि ऐसा करता तो वैसा हो जाता तो वैसा करता वैसा हो जाता तकलीफ आने के बाद यह कहो कि अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा था हो गया जो हो गया उसको कोई टालने वाला नहीं था लेकिन आज हम उन बातों को लेकर के अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं सोचते रहते हैं ऐसा ना करते तो ऐसा होता वैसा ना करते तो ऐसा होता तो ये अकीदे के अंदर मुशाहत यही है कि आदमी तोहेद के अकीदे को छोड़ दे और तवहम तो परस्ती के अंदर पड़ जाए दूसरी मुशाबहत चेहरे में चेहरों के अंदर मुशाबहत अख्तियार करने की सबसे वाजह तरीन सूरत यह है कि एक मुसलमान बंदा अपने आप को मुसलमान कहे और उसका चेहरा दाढ़ी से खाली हो उसकी मोछें बड़ी हो और उसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह

सबसे बड़ी मुसलमानों की पहचान थी जो आज खत्म होती जा रही है आप सिखों को देखिए कहीं अगर 150 सिख जमा हो जाएं तो लोग डर जाते हैं कितने सारे लोग मौजूद हैं और आज मुसलमान हजारों की तादाद में रहते हैं लेकिन पहचान में नहीं आते कि मुसलमान कौन है इसलिए हमारा रोप खत्म होता जा रहा है हमारा जो खौफ था दुश्मनों पर वो खत्म होता चला जा रहा है ना हमारे अंदर बातिन में ईमान है ना जाहिर पे हमारे अंदर इस्लाम की कोई पहचान बाकी रह गई और सबसे अहम मसला यह है कि आज के मुस्लिम नौजवान अपनी दाढ़ियों को मोड़ते हैं अपने चेहरों को मस्त करते हैं यह समझ करके कि हम इससे खूबसूरत हो जाएंगे या हमको इससे बहुत खूबसूरत लड़की का रिश्ता मिल जाएगा यह भी बिल्कुल खाम ख्याली मेरे भाइयों, बिल्कुल खाम ख्याली है ये बहुत बड़ी गुमराह है अगर कोई यह सोचता है कि हम दाढ़ी मोड़ करके खूबसूरत हो जाएंगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा हसीन इंसान जो पैदा हुआ उसके चेहरे पर दाढ़ी थी इस कायनात के अंदर सबसे हसीन इंसान जो पैदा हुआ वैसा हसीन इंसान कयामत तक पैदा भी नहीं हो सकता उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और वो किसकी शख्सियत है वो मोहम्मद की शख्सियत हसन इब्ने साबित रजी जिनके बारे में फरमाया वोसना मेरे पैगंबर ए हमारे रसूल अल्लाह के हबीब वन कलम तर आपसे हसीन इंसान मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा मां किसी माँ ने जना ही नहीं है आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा आपकी माँ के अलावा किसी ने नाम जना ही नहीं है आप हर तरह के ऐब से बिल्कुल पाक पैदा किए गए हैं का कद गोया कि आपको आपके रब ने आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा कर दिया अल्लाह यह खूबसूरती की बात है कि इस कायन के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान जो पैदा हुआ वो कौन है वो मोहम्मद रसूल है और आपके चेहरे पर दाढ़ी थी आप ही ने हुक्म दिया कि अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ दाढ़ियों को लटकाओ दाढ़ियों को माफ करो और अपने मोछों को पस्त रखो आज मुसलमान उल्टा करता है दाढ़ी को मोड़ देता है मोचों को बढ़ाता है और मोछों में गौरों की मुशावे भी अख्तियार करता है अल्लाह अकबर और दूसरा सबब यह है कि बहुत सारे नौजवान यह सोचते हैं दाढ़ी रखेंगे तो अच्छी बीवी नहीं मिलेगी या खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी मेरे भाई ऐसी औरत से क्या फायदा जो नबी की सुन्नत को पसंद ना करती हो ऐसी औरत से क्या फायदा जो नबी की सुन्नत को मोड़ने की तालीम देती हो अल्लाह की कसम ऐसी औरत से आपको ना दुनिया में चैन और आराम मिल सकता है ना आखिरत में आप कामयाब हो सकते हैं क्योंकि मोहम्मद ने फरमाया तुम कहलमरा वो जमालिहासबी वीन फसर अल्लाह के नबीम ने फरमाया औरतों से निकाह चार चीजों की वजह से किया जाता है लिमा लिहा उसके माल को देख कर वो जमालिहा उसके हसन व खूबसूरती को देख कर वो हसबिहा और उसके खानदान को देख कर वो दीन हाँ और उसकी दीन दाढ़ी को देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज पर दीन दीन को तरजीह दो दीनदारी को तरजीह दो तो कम, तुम कामयाब हो जाओ तो औरत की खूबसूरती और माल को देखना मना नहीं है लेकिन सबसे पहले दीनदारी को देखना चाहिए उसकी दीनदारी के बारे में मालूम करना चाहिए कि कहीं दाढ़ी से नफरत तो नहीं करती है कहीं नमाज से नफरत तो नहीं करती है कहीं परदेश नफरत तो नहीं करती है कहीं मोहम्मद और रसूल्म की शरीय पर अमल करने से ये दूर तो नहीं भागती है तो ये चेहरे के मुतालिक दो बातें हुई तो जो चेहरे को मस्त करते हैं दाढ़ियों को मोड़ते हैं पहला सबब यह सोचते हैं हम बहुत खूबसूरत बन जाएंगे ये भी गलत बात है और दूसरा सबब यह कि हम अगर दाढ़ियों को नहीं मोड़ेंगे तो हमको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा ये दोनों गुमराहि की बातें और आज चेहरों को मस्त करने की वजह से सलाम का रवाज कम होता जा रहा है साहब क्राम बाजारों में जाते थे जाते थे सलाम को आम करने के लिए कि जो भी मुसलमान मिलेगा हम सलाम करेंगे आप मार्केट में, में चले पहचान नहीं पाओगे मुसलमान कौन है गैर मुस्लिम कौन है मालूम ही नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा मुसलमान कितने हैं गैर मुस्लिम कितने नंबर तीन बालों में मुशाबेहत आज छप्पर बाल लगते हमारे नौजवान छप्पर बाल ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे और नीचे पूरा मोड़ देते हैं जबकि मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने कजा से मना किया है कजा का मतलब होता है कि सर के कुछ बालों को छोड़ देना और बाकी बालों को मोड़ देना इसको कजा कहा जाता है इसके बारे में एक रवायत मौजूद है सही बुखारी के अंदर उमर बिहार तआला तुम से रवायत है वो बयान करते हैं

उबैदुल्ला ने पेशानी और सर के दोनों किनारों की तरफ इशारा करके हमें उसकी सूरत बताई कि पेशानी पर बाल छोड़ दिए जाएं और इधर बाल छोड़ दिए जाएं और इधर बाल छोड़ दिए जाएं और बाकी बाल मोड़ दिए जाएं इसको कजा कहते हैं तो खलासे कलाम ये कि कजा की जो सूरत है मोहम्मद रसूल ने उससे मना किया है और वो सूरत यह है कि सर के कुछ बालों को या सर के कुछ हिस्से के बालों को छोड़ देना और बाकी को मोड़ देना अल्लाह के नबी वसल्लम का जो बाल था उसकी तीन सूरतें बयान की जाती हैं लिम्मा जुम्मा वफरा लिम्मा कान की लो से नीचे और कंधों से ऊपर तक के बाल लिम्मा कान की लो से नीचे और कंधों से ऊपर तक के बाल रखना जुम्मा ऐसे बाल जो कंधों तक लटकते हैं जुम्मा ऐसे बालों को कहा जाता है जो कंधों तक लटकते हैं और वफरा कान की लो तक लटकने वाले बाल ये तीन तरह के बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलते हैं इस तरह के बाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे जो बड़े बड़े बाल होते थे तो हमें मालूम करना चाहिए कि महम्मद रसोल्लासलम की सुनत क्या है मोहम्मद रसोल्लम का तरीका क्या है उसके मुताबिक हमें बाल रखने चाहिए लेकिन मोहम्मद रसोल्लाम के तरीके को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो बनती है वो ये कि आज हमने आइडियल अल्लाह के नबी वसल्लम को नहीं बनाया हमने फिल्मी एक्टरों को आइडियल बनाया उन्हीं को देखते हैं उन्हीं को सुनते हैं उन्हीं के तरीके पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं जो आदमी जिसको ज्यादा देखता है उससे मोहब्बत हो जाती है जिसको ज़्यादा सुनता उससे है उससे तो मोहब्बत हो जाती है तुम अल्लाह के नबी नबीम के बारे में ना ज्यादा देखते हैं न ज्यादा सुनते हैं और न ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं अगर हम देखेंगे ऐसे प्रोग्रामों को देखेंगे जिसमें अल्लाह के नबी नबीस की अज़मत को बयान किया गया हो अल्लाह के नबी वसल्लम की सीरत को बयान किया गया हो आपके मकाम मरतबे को बयान किया गया हो तो आपके मुतिक हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी लेकिन आज हम सीरत को छोड़कर गैरों की सीरत अपनाते हैं सीरत रसूल को नहीं मालूम करते गैरों की सीरत को मालूम करने की कोशिश करते हैं नंबर चार बर्थडे मनाना या इसी तरह से साल गिरा मनाना जैसे 2021 खत्म हो गया 2022 आ गया इस पर खुशी मनाना या क्रिसमस डे मनाना ये सारी चीजें गैरों की हैं मोहम्मद वसल्लम की शरीयत में ना साल गिरा मनाने का सबूत है ना बर्थडे मनाने का सबूत है और ना क्रिसमस डे मनाना जायज है बल्कि क्रिसमस डे का अकीदा रखना और उसको मनाना तो शिर्क तक पहुंच जाता है क्योंकि जो लोग अकीदा रखते हैं ईसा सलाम की पैदाइश हुई वो सिर्फ ईसा की पैदाइश तक ही अकीदा नहीं रखते बल्कि वो कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं ईसा अल्लाह के बेटे पैदा हुए और कुरने मजीद में अल्लाह आलमीन ने ऐसे अकीदे का तस्करा करते हुए ने फरमाया और उन्होंने कहा कि रहमान ने कोई औलाद बना ली है बिला शुभ यकीन तुम एक बहुत भारी बात को ले आए हो आसमान करीब है तो उससे फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ कर गिर पड़े कि उन्होंने यह कह दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लड़का अल्लाह ला अल्लाह जब कोई शख्स कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फला को अपना बेटा बनाया तो अल्लाह ताला का गुस्सा बढ़ जाता है अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नाराज होता है ये सारी बातें चाहे बर्थडे मनाना हो चाहे सालगिरह मनाना हो और चाहे क्रिसमस डे मनाना हो ये सब गैरों के तरीके हैं हमें इन तमाम तरीकों से बच करके अल्लाह की बारगाह में तोबा करना चाहिए कि अब तक जो कुछ किया इन तमाम चीजों में से अल्लाह तला माफ कर दे हम आइंदा इस तरह की बात नहीं करेंगे नंबर पांच बाएं हाथ से खाना 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 मोहम्मद रसोल्लाम के तरीके के मुताबिक खाना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था खाने से पहले हाथ धोना बिस्मिल्लाह करना दाएं हाथ से खाना खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उमर तआला रजील थे खाना खा रहे थे बर्तन में हाथ घुमा रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत किया कहा कि ए बच्चे अल्लाह का नाम लेकर के खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाओ दाहिने हाथ से खाना खाओ जो सामने है उसमें से खाओ और बर्तन में अपने हाथों को ना घुमाओ तो ये मोहम्मद वसल्लम की सुन्नतें हैं कि खाने से पहले अगर आदमी का हाथ गंदा है तो उसे धुल ले बसमिल्ला करके खाना खाए दाहिने हाथ से खाना खाए और जो सामने है उससे खाए बाएं हाथ से खाना खाना ये मोहम्मद अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ है लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चाय वगैरह भी बाएं हाथ से पीते हैं ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लोगों के अंदर यह आदत होती है फैशन रहता है या उनकी आदत रहती है और दूसरी चीज़ लिखने का काम भी अजीम काम है बहुत सारे बच्चे बाएं हाथ से लिखते हैं उनको आदत दिलाई जाती है बाएं हाथ से लिखने की उनको आदत हो जाती है बाएं हाथ से लिखना शुरू करते हैं वालदेन मना नहीं करते तो लिखना भी एक अच्छा काम है जैसे खाना अच्छा काम है ऐसे लिखना भी अच्छा काम है तो लिखने की आदत भी बच्चों को जब आप डराइए या लिखने की आदत जब बच्चों को डालें तो उनको दाहिने हाथ से लिखना सिखाएं क्योंकि इल्म बहुत बड़ी नेमत है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कलम का तस्करा बिल कलम अल्लाह ने कलम के जरिए इल्म सिखाया

के पास एक आदमी खाना खा रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है आपने देखा वो आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कुल ऐ अल्लाह के बंदे दाहिने हाथ से खाना खाओ उसने कहा मैं दाहिने हाथ से खाना नहीं खा सकता तकब्बुर और घमंड करते हो उसने मोहम्मद वसल्लम की सुन्नत का इनकार कर दिया

क्योंकि उसने मोहम्मद रसोल्ला की सुन्नत का मजाक उड़ाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को उसने इनकार कर दिया अल्लाह के नबी नबीम के फरमान को रद्द कर दिया तो हमें भी दाहिन हाथ से खाना चाहिए बच्चे जब छोटे हों उनकी उम्र छोटी हो तो बचपन ही से हमें अपने बच्चों को दाहिने हाथ से खाने की आदत दिलानी चाहिए और उसके आदाब बताने चाहिए नंबर छह खड़े खड़े पेशाब करना आम हालतों में हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने नबी मोहम्मद वसम की सुन्नत के मुताबिक बैठ कर पेशाब करें क्योंकि कब्र का आजाब जो अक्सर होता है वह पेशाब के छीटों से ना बचने की वजह से होता और पेशाब के छीटों से बचना कब मुश्किल होता है जब कोई आदमी खड़े खड़े पेशाब करता है खड़े खड़े जब पेशाब करेगा तो पेशाब की छीटों से बचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तो हमें और आपको चाहिए कि जब भी हम पेशाब करें तो कोशिश ये करें कि बैठ कर पेशाब करें अः यह की कोई मजबूरी हो

उसके अंदर इस बात का तस्करा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम के घूर के पास से गुजरे जहां कूड़ा करकट फेंका जाता था तो कूड़ा करकट की जगह आपको जरूरत पेश आई आपने वहां खड़े खड़े पेशाब किया ये एक मजबूरी थी वहां पर बैठने की गुंजाइश नहीं थी तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो दीन दिया है दीन रहमत है ये क्यामत तक के लिए है आज हम देखते हैं कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे मौके पेश आते हैं ऐसी सूरतें पेश आ जाती है हमारी जिंदगी के अंदर कि वहां हमारे लिए बैठना मुमकिन ही नहीं होता खड़े होकर ही हमको पेशाब करना पड़ता तो मजबूरी की हालत में खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हैं लेकिन आम हालतों में जहां तक हो सके हमें मोहम्मद अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बैठकर ही पेशाब करना चाहिए नंबर सात तखने से नीचे कपड़ा लटकाना मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में वोद बयान की है जो लोग अपने कपड़ों को अपने इजार को अपनी लुंगियों को अपने पैंट को टखने से नीचे लटकाते हैं ये मर्दों के लिए है अबू जर ने से रवायत है वो बयान करते हैं कि मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसम ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कयामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा नहीं उनकी गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा उनके लिए दर्द अजाब होगा अबूर रजल्ला ने पूछा कि अल्लाह के पैगम्बर वो कौन लोग हैं ऐसे लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे लोग नाकाम हो जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें बयान फरमाई अल मन्नान नंबर एक अपने इजार को टखने से नीचे लटकाने वाला नंबर दो एहसान जतलाने वाला और नंबर तीन अपनी तिजारत को झूठी कसम के जरिया फरोग देने वाला तो इन तीन मुजरिमों में सबसे पहले जिस मुजरिम का तस्करा अल्लाह के नबीसम ने किया है जिससे अल्लाह कलाम नहीं करेगा किसी गुनाहों को माफ नहीं करेगा जिसके लिए दर्दनाक अदाब होगा जिसकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा नहीं वह है टखने से नीचे अपने इजार को और लुंगी और पैज़ामे को लटकाने वाला आज अगर कोई अदाकार है कोई सीरियल में काम करता है फिल्मी दुनिया में काम करता है अगर वह हीरो अपनी स्टाइल में अपने पायजामे को ऊपर कर ले अपने इजार को ऊपर कर ले तो लोग उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी व बयान की हैं फिर भी हमारे आज पैजामे हमारी लुंगियाँ या हमारी पैंटें टखने से नीचे रहती हैं मस्जिद में आते तो वहाँ भी हमारी वही हालत होती है मस्जिद से बाहर भी वही हालत होती है तो हमें इस गुनाह से बचना चाहिए और डरना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में व़ीद बयान की है जो अपने इजार को और अपने पायजामे वगैरह को टखने से नीचे लटकाते हैं नंबर आठ औरतों का मसनूई बाल जोड़ना औरतों का मसनूई बाल जोड़ना जैसे कि औरत को अल्लाह ने बाल जो दिया है उससे खूबसूरती पैदा होती है बाल के जरिया औरत के अंदर हुस्न व जमाल पैदा होता है लेकिन अगर औरत के बाल कुदरती तौर से छोटे हैं अल्लाह ने उसको बड़ा बाल नहीं दिया है तो वो मसनू बाल लगा करके अपने अपने सर को मसनू बाल के जरिया मुजैन नहीं कर सकती है शरीय में इसकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाकया है आयशा सिद्दीक़ा रजील् ताल बयान फरमाती हैं कि एक अंसारी औरत थी उसने अपनी बेटी का निकाह कर दिया अंसारी औरत ने अपनी बेटी का निकाह किया निकाह जब कर दिया तो वो बीमार हो गई शादी के बाद शादी के बाद जब बीमार हुई तो उसके सर के बाल झड़ गए जब सर के बाल झड़ गए तो वो अल्लाह के वसल्लम के पास आई और उस अंसारी औरत ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है मुझको एक परेशानी लाइक हो गई है कहा क्या हुआ कहा कि मैंने अपनी बेटी का निकाह किया तंदुरुस्त थी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन निकाह करने के बाद वो बीमार हो गई और जब बीमार हो गई तो उसके सर के बाल झड़ गए। गएरी दुहा और उसका शौहर ये चाहता है कि अपने सर में मसनूही बाल जोड़ ले अपने सर के अंदर मसनू बाल लगा ले तो क्या शौहर को खुश करने के लिए शौहर को राजी करने के लिए क्या वो मसनू बाल लगा सकती है तो मोहम्मद रसोल्ला ने फरमायात सही मुस्लिम की दो हजार एक सौ तेईस नंबर की रवायत है आपलम ने फरमाया ऐसी औरतों पर लानत है जो अपने सरों में दूसरा बाल जोड़ती हैं और मसनू बाल लगा करके अपने आप को बहुत लंबे बाल वालियां साबित करती हैं कि उनका बाल बहुत लंबा है बहुत घना है तो बाल को जोड़ना यह जायज़ नहीं है मसनू बाल औरत के लिए गाना जायज नहीं है मसनू बाल औरत के लिए अपने सर में जोड़ना जायज नहीं है क्योंकि मोहम्मद और के ज़माने में इस तरह का वाक आया उस अंसारी औरत ने आपसे पूछा या करके कहा मेरी बेटी के सर के सर बाल झड़ गए बीमारी की वजह से और शोहर चाहता है कि उसके बाल सर में रहें तो क्या अपने सर में बालों को जोड़ सकती है दूसरे बाल लगा सकती है तो आपने फरमाया ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत है या ऐसी औरतों पर अल्लाह रबीन लानत भेजता है एक दूसरी रवायत है जिसके रावी अब्दुल्ला मसूद रजी तला खास तौर से रवायत खुआ इस्लाम से मुलिक है अब नुमाते हैं कहा कि अल्लाह ने गुदना गत भेजी है गुदना गुदानी वाली पर लानत भेजी है इसी तरह से चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों पर जो चेहरे के बाल उखाड़ती हैं अपने हस्न को बढ़ाने के लिए इसी तरह से दांतों में शिगाफ करवाती हैं ताकि उनके चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाए तो गुदना गोदने वाली गुदवाने वाली चेहरे के बालों को उखाड़ने वाली और इसी तरह से साहबी रसूल ने आगे बयान किया कि अपने दांतों में कुशादगी पैदा करने वालियाँ ये तमाम की तमाम औरतें मलरूण हैं इन पर अल्लाह की लानत है और ये अल्लाह की तखलीक में तब्दीली करने वालियाँ गुदना गुदवाना हो या जो बाल चेहरे के अंदर अल्लाह ने कुदरती तौर तो से आंखों वगैरह में जो बनाए हैं बाल पलक और भाव वगैरह इनको उखाड़ना या काटना या तराशना ये सारी चीजें या इसी तरह से दांतों में शेगाफ करना ताकि शेगाफ की वजह से चेहरा खूबसूरत लगे साहब रसूल अब्दुल्लामा ने बयान किया कि गोदना गोदने वाली गोदवाने वाली चेहरों के बाल उखाड़ने वाली इसी तरह से दांतों में जो है फासला करने वालियाँ ये तमाम की तमाम औरतें मलगून हैं और अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करने वालियाँ हैं फाबल फाबा गिका इमरतम बनी असद ये बात एक ऐसी औरत को पहुंची जो बनी असद से ताल्लुक रखती थी उसका नाम उम्मे याकूब था जो उम्मे याकूब के नाम से मशहूर थी यानी ये बात एक ऐसी औरत को पहुंची जो बनी असद से ताल्लुक रखती थी और याकूब के नाम से मशहूर थी उसने जब यह सुना कि बिन मसूद ताला ने ऐसी ऐसी औरतों पर लानत भेजी है तो वो आ गई सह रसूल के पास सहाब रसूल के पास आई उसने वो सहाब रसूल के पास आ गई और उसने कहा बल अनका नकल अन तकैता वकीता मुझे यह बात पहुंची है कि आपने फला फला किस्म की औरतों पर लानत भेजी है आपने ऐसी बात कही है कि फला फला औरतें मलरून हैं। तो साहब रसूल ने कहा हां मैंने इस तरह की बात कही है कहा मैंने इस तरह की बात कही है साहब रसूल ने कहा और मुझे क्या हो गया है कि मैं ऐसी लोगों पर या ऐसी औरतों पर लानत नहीं भेजूंगा जिन पर अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है अब्दुल्लाह मसूद अब्दुल्ला ने कहा मुझे क्या हो गया है कि मैं ऐसी औरतों पर लानत ना भेजूं जिन औरतों पर मोहम्मद वसल्लम ने लानत भेजी है और वो बात अल्लाह की किताब के अंदर भी मौजूद है औरत बड़ी चर जुबान थी औरत बड़ी चर जुबान थी उसने कहा आपने दो बातें की हैं आपने पहली बात यह की उन औरतों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है और दूसरी बात यह की कि, कि वो बात अल्लाह की किताब के अंदर भी मौजूद है मैंने कुरान तो पढ़ा है लेकिन कहीं उसमें यह बात मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला की लानत है गुदना गोदने वाली पर गुदना गुदवाने वाली पर और इसी तरह से चेहरों के बाल उखाड़ने वाली पर दांतों में शगाफ कर दो दांतों के दरमियान शगाफ कराने वाली पर यह तमाम बातें हदीस के अंदर तो मिल सकती है लेकिन कुरान में इसका तस्करा हमने नहीं देखा है तो सहाबी रसूल ने जवाब में क्या कहा लेन कुंते अगर कुरान पढ़ती तो तुम अल्लाह रबालमीन के इस फरमान को जरूर पढ़ती अल्लाह रबालमी ने फरमायाहा हमारे रसूल तुम्हें जो चीज़ दे उसे ले लो जिससे मना करें उससे रुक जाओ और जब अल्लाह तला ने यह बात कह दी और मोहम्मद रसूल ने ऐसी औरतब पर लानत भेजी है तो गोया कि अल्लाह के कहने के मुताबिक सूल भेजी जब के कहा कि ताला ने में कहा है कि हमारे रसूल जिन चीजों को का हुते हैं उनको ले लो जिन चीजों से मना करते हैं उनसे रुक जाओ तो उसने कहा फालू न देखती हूं मेरा ख्याल है कि आपकी बीवी भी ऐसा करती है आपने ऐसी ऐसी औरतों पर लानत भेजी है लेकिन मेरा यह ख्याल है कि आपकी बीवी भी ऐसा करती होगी उन्होंने कहा जाओ देख लो जाओ मेरे घर में मेरी औरतों को देख लो या मेरी बीवी को देख लो वो औरत गई उसने पूरा मामला मालूम किया कि इस घर में कोई ऐसा गुनाह करने वाला है कि नहीं है कोई ऐसी औरत है जो गुदना गोदने गुदवाने वाली हो या इसी तरह से चेहरे के बाल उखाड़ने वाली हो इस तरह के गुनाहों के करने इस तरह के गुनाहों का करने वाली कोई तो औरत उनके घर में नहीं मिली जब कोई चीज नहीं मिली तो कहा, लौ कानत कदालिका मा मैं अगर मेरी बीवी भी ऐसा करती तो भला वो मेरे साथ कैसे रह सकती थी अगर मेरी बीवी मोहम्मद की सुन्नत की मुखालत करती तो मैं कभी अपने पास उसको नहीं रखता उसको मैं तलाक देता छोड़ देता

لكن النبي صلى الله عليه وسلم نے إرشاد فرمایا لا تشربوا في إناء الذهب والفزة सोने और चांदी के बर्तन में ना पिया करो वाला तल बसुदी बाजा और दीबाज को और रेशम को ना पहना करो फिन नहा दुनिया वाल आखरा यो मल इसलिए कि ये सारी चीजें गैरों के लिए हैं तुम्हारे लिए जन्नत में अल्लाह ताला इन चीजों को तुमको अता करेगा तुमको अल्लाह ताला जन्नत में ये चीज़ें अता करेगा सही मुस्लिम की दो हजार सड़सठ नंबर की रवायत है इससे पता चलता है कि सोने और चांदी के बर्तन में खाना और पीना यह भी गैरों का तरीका है अल्लाह अल्लाह के नबी नबीम ने तौर से बता दिया तुम्हारे लिए सब जन्नत में होगा ये सब सोने चांदी के बर्तन को तो जन्नत में मिलेंगे ये दुनिया में गैरों के लिए है अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमिन 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 दुनिया दुनिया व जन्नतुल काफिर के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है तो सोने और चांदी के बर्तन में खाना पीना भी हराम है यह गैरों का तरीका है नंबर नौ कान में छल्ले पहनना बहुत सारे लोगों को आपने देखा कान में बालियां पहनते छल्ले में कान में बाली पहनना ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुल्नत के खिलाफ है आपकी तालीम के खिलाफ है अल्लाह के वसल्लम ने ऐसी पर लानत भेजी है जो मर्दों की मुशाबत अख्तियार करती हैं, और ऐसे मर्दों पर लानत भेजी है जो औरतों की मुशावत अख्तियार करते हैं तो हमें इस हरकत से भी अपने आप को बाज रखना चाहिए हमारे नौजवानों में अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो उसको समझाना चाहिए कि कान के अंदर बाली पहनना यह औरतों की मुशाबहत है और इससे अल्लाह के नबीम ने मना किया और दूसरी चीज अगर वो गैरों को देख कर करता है गैरों के मुशाबत अख्तियार करते हुए तो उसको मोहम्मद वसल्लम का फरमान सुनाना चाहिए मंत शब्बा कौम जिसने किसी कौम की मुशाबत अख्तियार उसका शुमार उसी में से होगा और अगर वो इस अकीदे से कान में कुछ जो है बाली वगैरह पहनता है कि उससे उसको तंदरुस्ती मिलेगी बीमारी से दूर रहेगा तो यह शिरकिया हो जाता है तो औरत की मुशाबत अख्तियार करते हुए अगर करता तो भी गलत है गैरों की मुशाबत अख्तियार करते हुए अगर कान में कोई मर्द पहनता है बाली वगैरह तो भी गलत है और अगर यह अकीदा बनाकर पहनता है कि कान में बाली पहनेंगे तो नजर नहीं लगेगी बीमार नहीं होंगे तो भी गलत है आखिरी बात यह हाथ और पैर में धागे वगैरह पहनना धागे वगैरह हाथों और पैरों में पैरों में धागे वगैरह बांधना यह भी मोहम्मद अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है इमरान बिन हुसैन रजील से रवायत है बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को देखा जिसने अपने हाथ के अंदर जो है पीतल का कड़ा पहन रखा था आपने उससे पूछा तुमने इसको क्यों पहन रखा है उसने कहा मुझे दर्द होता है मुझे तकलीफ होती है मुझे कुछ बीमारी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पीतल का कड़ा पहनना या पीतल का छल्ला पहनना या पीतल का कंगन पहनना यह तुम्हारी बीमारी को बढ़ाएगा तुम्हारी बीमारी को कम नहीं करेगा और अगर इसी हालत में तुम्हारी मौत हो गई तो कभी तुम कामयाब नहीं होगे तो ये धागे वगैरह जो हम बांधते हैं यह हमारे नौजवान जो धागे वगैरह बांधते हैं यह धागे इस अकीदे से अगर बांधते हैं कि इससे हमको शिफा मिलेगी तो यह शिर अकीदा है और अगर इस इस अंदाज़ से और इस सोच के साथ बांधते हैं कि गैरों का तरीक़ा है तो भी वो गलत है इसलिए हमें और आपको चाहिए कि मोहम्मद रसोल्ला सल अल्लासम के तरीक़े के मुताबिक महम्मदरसोल्ला वसलम की शरीयत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें और अल्लाह से दुआ करें कि रबालमी तूने हमें जो ज़िंदगी दी है हमें सही मानों में इस जिंदगी के अंदर महम्मद रसोल्ला सल असलम की इतवार पैरी की तोफ़ीदा फरमा आज के इस खुबे के अंदर जो बातें भी कुरान सुन्नत की रोशनी में कही गई हैं आलमीन उन तमाम बातों को हमें समझने और उन पर अमल करने की तोफ़ीदा फरमा और अगर कोई गलती हुई है अल्लाह आलमीन रबालमिन रहमत से उसको माफ़ फरमा दे और हम तमाम मुसलमानों को ईमान के साथ मौत नसीब फरमा आमीन अलैहि अल्लाह नबील करीम असल अलैकुम व